कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान क्या है? ट्रंप ने चुनाव में धांधली पर दाखिल याचिका क्यों ली वापस? जो बाइडेन ने एरिजोना और जॉर्जिया में भी फहराई विजय पताका। रूस ने सूडान में किया नौसेना बेस बनाने का ऐलान। देखते हैं टॉप 9। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को अप्रैल 2021 तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। कोरोना वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन कामगारों को दी जाएगी। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने केस वापस ले लिया है। ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन को बड़ी जीत मिली थी। ट्रंप ने जो बाइडेन के चुनाव को चुनौती दी थी। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिजोना और जॉर्जिया में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को अब तक सिर्फ 232 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। ट्रंप ने एरिजोना और जॉर्जिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। माली में फ्रांस ने आतंकियों के खिलाफ हवाई हमला किया है, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथ और फ्रांस पर हमले की साजिश रचने वालों पर हवाई हमले की चेतावनी जारी की थी। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में 5,200 भारतीय जवानों का दल शामिल होगा। दक्षिण सूडान में पहले से ही भारतीय सैनिक तैनात हैं, लेकिन मांग होने पर 5,200 और सैनिक दक्षिण सूडान में तैनात किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के 130 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये कर्मचारी चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में तैनात थे। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने टिकटॉक सौदे के लिए 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। 27 नवंबर 2020 तक टिकटॉक को बेचना ही होगा। टिकटॉक को हिस्सेदारी नहीं मिलने पर अमेरिका में अपना ऑपरेशन बंद करना होगा। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक पर अमेरिका में बैन लगाया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सूडान के लाल सागर में नौसेना बेस बनाने का ऐलान किया है। रूस लाल सागर में नौसेना बेस बनाकर इस पूरे क्षेत्र में सैन्य और आर्थिक प्रभाव हासिल करना चाहता है। क्रेमलिन के रक्षा प्रमुख ने कहा कि हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाना है। फ्रांस में फिर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस ने आतंकी हमला रोकने के लिए 20,000 से ज्यादा कट्टरपंथियों पर नजर बनाई है। खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि फ्रांस में कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं आतंकी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।